नाही रे हर भगत बिना, हर भगत बिना सुख नाही रे हर भगत बिना, हर भगत बिना जीत जन्म रतन अमोलक, जीत जन्म रतन अमोलक, साध संगत जप एक सुख नाही रे हर भगत बिना, हर भगत बिना सुख नाही रे हर भगत बिना, हर भगत बिना सुत संपत बनता बिनोद, सुत संपत बनता बिनोद, सुत संपत बनता बिनोद, सुत संपत बनता बिनोद, छोड़ गए बहु लोग को
सुख नाही रे, हर भगत बिना, हर भगत बिना सुख नाही रे, हर भगत बिना, हर भगत बिना। वाहे गुरु, ऐवर गैवर राज रंग, ऐवर गैवर राज रंग, त्याग चले ओ त्याग चले ऐवर गैवर राज रंग, त्याग चलो है मूड़ नंग, त्याग चलो है मूड़ नंग, त्याग चलो सुख नाही रे, हर भगत बिना, हर भगत बिना सुख नाही रे, हर भगत बिना, हर सुख नाही रे।
हर भगत बिना, हर भगत बिना जीत जन्म ए रतन अमोलक, जीत जन्म ए रतन अमोलक, साध संगत जप एक खिना, सुख ना हीरे हर भगत बिना, हर भगत बिना सुख नाही रे हर भगत बिना, हर भगत बिना संग रूलिया, अर संग रूलिया, सो तन तर संग रूलिया, सुख ना ही रे हर भगत बिना।
हर भगत बिना रे, हर भगत बिना, हर भगत बिना सुख नाही भगत बिना, हर भगत बिना सुख नाही रे, हर भगत बिना, हर भगत बिना। वाहे गुरु, मोहे मोया जाने दूर है, मोहे जाने दूर जाने दूर है। अनी सागा मागा सरे गा सने दा दानी सा दानी सा दानी सा सदा दूर है, हदूर है सदा सदा दूर है।
सुख नाही रे हर भगत बिना, हर भगत बिना सुख नाही रे हर भगत सुख नाही रे हर भगत बिना, हर भगत बिना सुख नाही रे हर भगत बिना, हर भगत बिना प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज द्वारा उच्चारण किया हुआ ये शब्द सुख नाही रे हर भगत बिना, जीत जन्म यह रतन अमोलक, साध संगत जप एक खिना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एकदम क्लियर क्लियर गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे कि बिना भक्ति के सुख नहीं मिल सकता, बिना नाम जपे तो सुखी नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कुछ भी कर ले, बिना नाम जपे तेरा मन सुखी नहीं हो सकता। पुखियां पुखना उतरी जे बन्ना पुरियां भार, चाहे तीनों लोगों के सुख चाहे सारी पुरियों के सुख पदार्थ अपने आगे रख ले, तेरा मन सुखी नहीं होगा। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जीत जन्म यह रतन अमोलक, इस मनुष्य देह को अनमोल रतन कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जीत जन्म यह रतन अमोलक, अनमोल रतन है ये मनुष्य देह जो बार बार नहीं मिलते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अनमोल रतन कहा है, अनमोल जिसका कोई मोल नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
रैन गवाई सोई कहे, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हमने इस अनमोल रतन की कीमत कौडी भी नहीं डाली। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अच्छा कह रहे, जीत जाए इस बाजी को, ये तू खेल रहा है जीवन की बाजी। कैसे जीत? साध संगत जप एक खिना, पल पल खिन खिन साध संगत में बैठकर उसका लाभ उठा, हर पल लाभ उठा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और लाभ कैसे उठा? नाम जप। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम जप ले, बिना नाम के तू सुखी नहीं हो सकता। डिठा सब संसार सुख ना नाम बिन। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारा संसार देख लिया, बिना नाम के कोई सुखी नहीं रह पाया। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज एकदम क्लियर कट समझा रहे हैं सात संगत। सुख चाहिए, नाम जपो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुख नाही रे हर भगत बिना, सुख नाही रे हर भगत बिना। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जीत जन्म एह रतन अमोलक, साध संगत जप एक खिना। क्या जप? वाहे गुरु, 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 प्यास से बोलिए धन गुरु नानक। सुत संपत बनिता विनोद, छोड़ गए बहु लोग भोग। हर से बोलिए धन गुरु नानक। परिवार धन पदार्थ तेरी सब जो कुछ भी तेरे पास है, जो दुनिया का मेला कहते हैं जिसे, हर से बोलिए धन गुरु नानक। सुत संपत बनिता विनोद, छोड़ गए बहु लोग भोग। महापुरुष समझाया करते थे, ये संसार मानो एक सोने की ईंट है। अरबों खरबों चाट चाट कर चले गए, ईंट उधर के उधर ही पड़ी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाट चाट कर चले गए मतलब हम जैसे त्रिशालु अपने नाम पर, अपने नाम पर जायदाद कर करके चले गए। जायदाद वहीं की वहीं है, नाम पेपरों में बदलते जा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर आदमी सोचता है कि मेरे नाम पर हो जाए। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, छोड़ गए बहु लोग भोग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितने आए भोग कर चले गए, कोई साथ नहीं ले गया, तू भी नहीं लेकर जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो क्या करें? कह रहे हैं कि जन्म की बाजी जीत जा। कैसे? जीत जनम रतन अमोलक, जीत जनम रतन अमोलक, साध संगत जप एक खिना, सुख नाही रे हर भगत बिना, हर भगत बिना, सुख नाही रे
दुख नाही रे, हर भगत बिना, हर भगत बिना बोलिए धन गुरु नानक। है वर गै वर राज रंग, त्याग चलियो है मूड नंग। हर से बोलिए धन गुरु नानक। है वर गै वर राज रंग, बढ़िया घोड़े बढ़िया हाथी हुकूमत सारा कुछ जो एक राजा के पास होता है। त्याग चलियो है मूड नंग, मूर्ख कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा को मूर्ख कहा है क्योंकि सारा जन्म वो इकट्ठा करने में लगा रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अरे बोलिए धन गुरु नानक। सम्राट अशोक युद्ध पर युद्ध करते जा रहा है, फलाना राज्य भी जीत लूं, फलाना राज्य भी जीत लूं, मेरा राज्य और बड़ा हो जाए, चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सम्राट अशोक तृष्णा नहीं बुझ रहे, ये सोच रहा है कि फलाना राज्य पे कब्जा कर लूं, हमला कर देता है हर राज्य पे, तो फौज बड़ी है ताकतवर है। हजारों लोग मरते हैं, लाखों लोग कटते हैं, इतनी विधवाएं इतने बच्चे अनाथ, और उसकी लालच खत्म नहीं हो रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है एक दिन युद्ध करके सेना से थोड़ा बिछड़ गया, दूर हो गया, भटक गया रास्ता, देखा एक फकीर दूर कुएं में से पानी भर रहा है, प्यास लगी है, पानी पीने चला गया वहां पे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फकीर ने दूर से देख लिया कि सम्राट अशोक आ रहा है, कमाई वाला फकीर था, थोड़े समय में सम्राट अशोक नजदीक पहुंच गया। कहने लगा मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। फकीर कहने लगा मैंने बाल्टी डाली है अंदर, खींचता हूँ अभी ऊपर, पानी भर जाएगा, मैं तुझे पिला देता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाल्टी ऊपर खींची, बाल्टी में पानी ही नहीं, फिर से डाली, फिर से खींची, बाल्टी में पानी नहीं। तीन चार मरतबा इस प्रकार हो गया। राजा दूर से खड़ा देख रहा है, सोच रहा है कि क्या बात है, पानी क्यों नहीं भर रहा बाल्टी में। पास में गया, देखा कि पांचवी बार बाल्टी ऊपर आई तो राजा ने खुद ही देखा बाल्टी को पकड़ कर, तो बाल्टी का नीचे तला ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सम्राट अशोक हंस पड़ा, कहने लगा आप फिर पीर हो फकीर हो, मुझे लगा बड़े ज्ञानवान हो, इतना भी समझ नहीं है, इस बाल्टी को तला नहीं है, पानी कैसे भरेगा बाल्टी में, नीचे बेस ही नहीं है, तला ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फकीर कहने लगा फिर क्या हो गया तला नहीं है तो, मैं सारा दिन मेहनत करूंगा और बाल्टी भरूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सम्राट अशोक गंभीर हो गया, कहने लगा सारा दिन ही नहीं सारा जीवन लगा रहो, सारा जीवन लगे रहो, ये बाल्टी में पानी नहीं भर सकता क्योंकि इसमें तला नहीं। फकीर कहने लगा आप अंतर्यामी हो क्या, आपको कैसे पता बाल्टी नहीं भरेगी। राजा कहने लगा मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, बुद्धि से काम लो, जिस बाल्टी का तला नहीं है वो भर कैसे जाएगी। फकीर मुस्कुरा पड़ा, कहने लगा राजन सम्राट अशोक मैं तुझे यही समझाने के लिए ये कर रहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस प्रकार जी इस बाल्टी का तला नहीं है ये बाल्टी भरेगी नहीं, तेरी तृष्णा का तला नहीं है,
घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तेरी तृष्णा के नीचे संतोष का तला नहीं है। जब तक वो तला नहीं है, चाहे एक राज नहीं, दो राज नहीं, सारी धरती को जीत ले, तेरी तृष्णा नहीं भरेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि तेरे पास संतोष ही नहीं है। हजारों लोग मर रहे हैं तेरी तृष्णा की वजह से, पर तेरी तृष्णा तृप्त हुई, तूने कितने राज्य जीत लिए। चाहे सारी पृथ्वी को जीत लेगा ना, तब भी तेरी तृष्णा तृप्त नहीं होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पर इतिहास में लिखा है कि सम्राट अशोक को ज्ञान हुआ कि अगर मैंने इतने राज्य जीत लिए, तकरीबन आधा इंडिया जीत लिया था उसने, तब भी मेरी तृष्णा नहीं भरी। अगर मैं सारा संसार भी जीत लूंगा, कहाँ भर जाएगी, सिकंदर की भरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिकंदर ने क्या कहा था आखिरी वक्त में, कफन में से मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल दो ताकि दुनिया समझ जाए कि आधी दुनिया जीतने वाला सिकंदर, आधी आधा इंडिया नहीं, आधी दुनिया जीतने वाला सिकंदर। जाते वक्त उसके हाथ खाली थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन। यही बात गुरु अर्जन देव जी महाराज समझा रहे हैं। है वर गै वर राज रंग, त्याग चलियो है मूड नंग। मूर्ख क्यों कहा है यहाँ पर, जिन्होंने नाम नहीं जपा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजभाग ऐश्वर्य भोगने के लिए मनाही नहीं है, पर बिना नाम के जहर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए सुख नाही रे हर भगत बिना, हर भगत बिना। बोलिए धन गुरु नानक। चोआ चंदन देह फूलिया, किसी का सुंदर शरीर है, वो आईने के आगे खड़ा रहता है, लोग तारीफ करते हैं बहुत सुंदर है, तो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने शरीर पर इत्र लगाता है, मान करता है कि मेरा इतना खूबसूरत शरीर है। चोआ चंदन देह फूलिया, अहंकार में रहता है, अपनी खूबसूरती के अहंकार में। सो तन तार संग रू लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर ये नहीं समझता कि शरीर आखिर मिट्टी में रुल जाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष समझाया करते थे कि आईने के अगर खड़ा है आगे, तो ये विचार कर कि शरीर जिसने दिया उसका शुक्राना कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अब ये विचार कर कि देख तो रहा है शरीर को, कौन देख रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव हर पहलू पे गुरु ध्यान आए, शुक्राना याद आए, हर चीज परवान है अगर वो याद रहे। जो चीज उसे भुला दे, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, परवान नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो चीज शुक्राने में ले आए, जो चीज नाम याद दिला दे, वो हर चीज परवान है। हर पदार्थ परवान है, राज गद्दी तक परवान है राजे जनक के। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी गुजर रहे हैं कहीं से, देखते हैं कि एक जवान लड़का, उस जमाने में ना सत्संग जी, पुराने जमाने में, आपको शायद पता नहीं होगा, हिंदुस्तान में एक प्रचलित था कि हर धर्म का इंसान पगड़ी बांधता ही था। अगर आप पुराने वीडियोस देखेंगे ना, पुराने आज़ादी के पहले के, हर एक के सर पे पगड़ी होती थी,
पगड़ी सत्कार मान का होता, चाहे कोई हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो, पगड़ी पहनना एक बड़ा सत्कार योग माना जाता था। बड़े बड़े राजे महाराजे पगड़ी पहनते थे। जब जुल्म की हुकूमत हुई यहां पर हिंदुस्तान पर, जब मुगलों का राज रहा, उन्होंने हिंदुओं को पगड़ी बांधने से मना कर दिया कि पगड़ी कोई नहीं बांधेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, पगड़ी केवल रुतबे वाले लोग बांधेंगे, भाव केवल मुगल, हिंदू नहीं। हिंदू को पगड़ी बांधने का अधिकार छीन लिया। उस वक्त गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा था कि मेरा सिख पगड़ी बांधेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पगड़ी से सरदार जी कहते हैं पहनने के बाद। उस वक्त उन लोगों ने पहनी थी जिनमें हिम्मत थी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात बीच में आ गई। और जो आज तक पहनते हैं मानो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचनों पर चलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी गुजर रहे हैं, देखते हैं कि एक नौजवान जब भी गुजरते हैं आईने के आगे खड़ा होता है, पगड़ी ही संवारता रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी ने एक बार रुक कर कहा, भाई इतना समय तू आईने के आगे गवा देता है पगड़ी बांध बांध, बैठ कर नाम जपा कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो सुना अनसुना कर देता और पगड़ी ही संवारता रहता। काफी समय बीत गया, कबीर जी गुजर रहे हैं, देखा एक खोपड़ी है, कौए उस पर अपनी चोंच को सवार रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इंसानी खोपड़ी, कौए अपनी चोंच साफ कर रहे हैं उस खोपड़ी में घिस घिस कर। कबीर जी अंतर ध्यान हुए क्योंकि पूर्ण महापुरुष थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दिव्य दृष्टि से देखा कि ये उसी जवान लड़के का सर है जो हमेशा पगड़ी संवारता रहता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर कबीर जी ने पंक्तियाँ उच्चारण की जो वाणी में दर्ज हैं। क्या उच्चारण किया श्रवण कीजिए। जय है सिर रच रच बांधत पाग, जय सिर रच रच बांधत पाग, सो सिर चुंच सवार है काग, सो सिर चुंच सवार है काग, सो सिर चुंच सवार है काग। इसीलिए कहा, इसीलिए पगड़ी बांधने से मना नहीं किया, पगड़ी सवारने से भी मना नहीं किया। तो जरूरत से ज्यादा वक्त लगाना किसी चीज पर, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज पर वक्त जाया करना, महापुरुषों के साथ दास रहा है ना, एक बार में जैसी पगड़ी बंध गई बंध गई, दूसरी बार खोल कर नहीं बांधी कभी उन्होंने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आईना देखते हुए तो मैंने कभी उन्हें देखा ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो फर्क होता है महापुरुषों में और हम में। उनका एक ही लक्ष्य होता है, गुरु को भा जाए बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे लक्ष्य होता है दुनिया को भा जाए। यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, चोआ चंदन देह फूलिया, तो तन धर संग रूलिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुख नाही रे हर भगत बिना, सुख नाही रे हर भगत बिना, सुख नाही रे, सुख नाही रे हर भगत बिना, हर भगत बिना, I'm not afraid to die।
मोह मोहया जाने दूर है। हमारा मन मोह में फंसा हुआ है, इसीलिए हमें ये प्रतीत होता है परमात्मा बहुत दूर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मोह परिवार का मोह, रिश्तेदारों का मोह, पदार्थों का मोह, ये मोह का पर्दा आंखों पर पड़ा होता है, हमें लगता है परमात्मा दूर है। मोह मोहया जाने दूर है, कहो नानक सदा हदूर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं वो तो तेरे भीतर ही बैठा है, तेरे साथ रहता है, दूर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इसका क्या भाव है, बड़ी ध्यान से सोचेंगे ना साथ संगत जी। हम सब के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, हम सब के ऊपर हर दृश्य रिकॉर्ड हो रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन है, जब मौत होती है ना, धर्मराज के सामने जब हिसाब होता है तो पूछा नहीं जाता, बताया जाता है। जिस प्रकार से एक फिल्म चलती है ना पर्दे पर, उस प्रकार से सारी रिकॉर्डिंग आंखों के सामने चलाई जाती है तुम्हारे सामने कि तुमने क्या क्या किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस वक्त शर्म से तेरी आंखें झुक जाएंगी। अगर तो जपा होगा नाम, ये रिकॉर्डिंग चलाने का समय ही नहीं आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर किसी पूर्ण साधु की संगत की होगी, जपा होगा नाम, सत्संगत किया होगा, माफी मिल जाती है अपने कुछ गुनाहों की, फिर से मौका मिल जाता है। अगर गुनाहों को त्याग करके संगत की होगी, ज्ञान लेकर संगत मिल गई, अब गुनाह छूट गए, अब केवल निर्मल जीवन है, तो हिसाब किताब ही नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर तो धर्म राय दर कागज फाड़े, जन नानक लेखा समझा, गुरु नानक पाशा कह देते ये मेरा है, कागज ही फाड़ देता है, हिसाब किताब की डायरी ही फाड़ देता है धर्मराज, वाणी कहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस उसके बन जाए ना, तब गुरु नानक पाशा कहेंगे ना ये मेरा है। जिसका नितनेम पक्का बाबा नंद सिंह जी के वचन, जिसका अमृत वेला पक्का, गुरु नानक पाशा कहेंगे ये मेरा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो गुरु नानक को प्रेफरेंस देगा, गुरु नानक पाशा कहेंगे ये मेरा है। जो मूल मंत्र का नेम निभाए, अमृत वेले सुखमणि साहब जी का, जपजी साहब जी का पाठ करे, यहाँ पर स्टैंप लग जाएगी जप निशान की, गुरु नानक पाशा कहेंगे ये मेरा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे लाज रखनी पड़ेगी अपने नाम की, अपनी वाणी की, इसी प्रकार उसके बन जाए। इसीलिए तो ये सत्संग कर रहे हैं, उसे बनने का ढंग आ जाए, उसका बनने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहां पर ज्ञान ये है, सुख नाही रे हर भगत बिना, इस सृष्टि में बिना भक्ति के, बिना नाम जपे किसी ने सुख प्राप्त नहीं किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अविनाशी खेम चाहे जे नानक, सदा सिमर नारायण। अगर तो परमानेंट सुख चाहता है, परमानेंट सुख क्यों कहा है, क्योंकि हमारे सुख का एड्रेस बदलता रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बच्चे का जब जन्म होता है तो उसके माता ही उसके लिए सब कुछ है, माँ की गोद ही उसके लिए सुख है। माता गोद से उतारे रोने लग जाता है, अब सुख क्या है, माता की गोद। समा बीता बड़ा हुआ, अब खिलौने अच्छे लगते हैं, माता की गोद नहीं, अब खिलौने छीनो तो रोता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ा हुआ, अब बीवी अच्छी लगती है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब माता पिता भी नहीं चाहिए, खिलौने भी नहीं चाहिए, सुख का एड्रेस बदलता जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में सुख सामान में नहीं, सुख मन की अवस्था है। इसलिए तो वाणी में कहा है, सुख दुख इस मन की बिरथा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी कहानी है, सारी कहानी का सार ये है कि अगर परमानेंट सुख चाहिए कि कभी खत्म ही ना हो वो सुख, तो क्या कर। अच्छा कहते हैं अविनाशी
ना विनाश होने वाला खेम खुशी, सदैव ही खुशी चाहिए जो कभी खत्म ही ना हो, तो क्या कर, सदा हमेशा सिमर नारायण नाम जप, उस नारायण का, उस वाहिगुरु का, उस अल्लाह का, उस राम का, उस एको ओंकार का, नारायण 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 हर भगत बिना,
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन बड़े ही कीमती हैं, पल्ले बांध लेने चाहिए। चाहे अमीर है चाहे गरीब है, चाहे कोई कितना भी गरीब है चाहे कोई कितना भी अमीर है, सुखी वो है दोनों में से जिसके पास संतोख है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिना संतोख नहीं को राजा, बिना संतोख के ना अमीर रस्ता है ना गरीब। अगर संतोख है तो गरीब कुटिया में भी सुखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संतोख नहीं तो राजा भी दुखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और संतोख की प्राप्ति कैसे होती है? गुर प्रसाद आपन आप सुझे, तिसकी जानो तृष्णा बुझे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुर प्रसाद, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी तो एकदम क्लियर कट कह रहे हैं, सिंपल। जैसे गुरु अर्जुन देव जी कह रहे हैं ना, बिना भक्ति के सुख नहीं। कबीर जी कह रहे हैं मैं बताता हूँ सुख कैसे मिलेगा। श्रवण कीजिए। कबीर हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। सारे हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। इत उत कदे ना डोलई जिस राखे सिर जनहार। इत उत कदे ना डोलई जिस राखे सिर उत कदे न डोले जिस राखे सिर जनहार। उत कदे न डोले जिस राखे सिर जनहार। हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर का सिमरन जो करे, सिमरन हर मन कर रहा है, हर कोई सिमरन कर रहा है। कोई बाल बच्चों का, कोई दुकान का, कोई मकान का, कोई स्त्री का, कोई पुरुष का, हर का सिमरन जो करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो प्रभु का सिमरन करेगा, सिमरन भाव याद, जो उसे याद करेगा वही इस संसार में सुखी रह सकता है। बस प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो ना यहाँ पर डोलेगा ना वहाँ पर डोलेगा, जिसे राखे सिर जनहार, क्योंकि उसकी रखिया खुद सिरजनहार करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो सिमरन करता है, उसे याद करता है, जो उसे याद करता है वो उसके साथ सरगुण रूप में विचरता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर जगह हर पल सहायता करता है अगर उसकी याद हो तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुख नाही रे हर भगत बिना। पांचवें गुरु नानक, गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने इस शब्द में बड़ी प्यारी बात कहते हैं। हम जो समझते हैं वैसा नहीं है, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं। श्रवण कीजिए। बड़े बड़े जो दीसे हैं लो तिनको व्यापे चिंता रो। कौन बड़ा माया बढ़िया
ਵੱਡਾ ਜਿਨ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਹਰ ਬੋਲੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦਿਸੇ ਲੋਕ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇਤੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੁਦੇ ਪਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਪਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਨਵਾਨ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਗਾੜੀਆਂ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੰਗਲੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗ ਚੁੱਕਾ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੋ ਭਿਆਨਕ ਰੋਗੀ ਹੈ ਕਿਆ? ਚਿੰਤਾ ਕਾ ਰੋਗ। ਹਰ ਸੇ ਬੋਲੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦੀਸੇ ਲੋਕ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਵਿਆਪੇ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ। ਚਿੰਤਾ ਕੋ ਰੋਗ ਕਹਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ। ਹਰ ਸੇ ਬੋਲੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਚਿੰਤਾ ਚਿਤਾ ਸਮਾਨ, ਜੀਤੇ ਜੀ ਆਦਮੀ ਜਲਤਾ ਹੈ ਨਰਕ ਮੇ, ਚਿੰਤਾ ਉਸੇ ਕਹਿਤੇ ਹੈ। ਹਰ ਸੇ ਬੋਲੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਚਿੰਤਾ, ਅਬ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਬਾਤ ਕੀ ਚਿੰਤਾ? ਪਹਿਲੇ ਧਨ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਅਬ ਚਲਾ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਹੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਹਰ ਸੇ ਬੋਲੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਕਹੀਂ ਚੋਰ ਹੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ, ਕਹੀਂ ਡਕੈਤੀ ਨਾ ਪੜ ਜਾਏ, ਕਹੀਂ ਫਿਰ ਸੇ ਗਰੀਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਚਿੰਤਾ, ਹਰ ਸੇ ਬੋਲੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਹਾਂ ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ, ਕੌਣ ਵੱਡਾ? ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ? ਹਰ ਸੇ ਬੋਲੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਅਬ ਬਤਾਓ ਮਾਇਆ ਬੜੀ? ਨਹੀਂ, ਸੋ ਵੱਡਾ ਜਿਹਨੇ ਰਾਮ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਹਰ ਸੇ ਬੋਲੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਜੋ ਇਨ ਪਦਾਰਥੋਂ ਸੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਪਦਾਰਥੋਂ ਸੇ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਸੇ ਜੋੜ ਲੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੋ ਬੜਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੋ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਬੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੋ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਰਾਮ ਸੇ ਜੋੜ ਲੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੇ ਬੋਲੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਨਾਮ ਸੇ ਜੋੜ ਲੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਸੇ ਜੋੜ ਲੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਾ ਹੈ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਰੇ ਹਾਂ ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ, ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਰੇ ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ, ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਨਾਹੀ। ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਰੇ, ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ, ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ। ਪਿਆਰ ਸੇ ਬੋਲੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਭੂਮੀਆਂ ਭੂਮ ਉਪਰ ਨਿਤ ਲੁਝੈ, ਛੋੜ ਚਲੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝੈ। ਪਿਆਰ ਸੇ ਬੋਲੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਭੂਮੀਆਂ ਭੂਮ, ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ, ਜਾਇਦਾਦ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸਕੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸਕੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਝਗੜੇ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਸੇ ਬੋਲੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਕਭੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਭੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਕੇ ਚੱਕਰ ਮੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਸੇ ਬੋਲੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ ਰਹਿਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਬਚਾਨੇ ਮੇ ਲਗਾ ਰਹਿਤਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਸੇ ਬੋਲੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਕਾ ਮੁਝੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਜਿਨਕੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਹੈ ਨਾ, ਚਿੰਤਾ ਮੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਤੇ ਹੈ, ਲੜਤੇ ਹੀ ਰਹਿਤੇ, ਕੋਰਟ ਮੇ ਕੇਸ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਤੇ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਸੇ ਬੋਲੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਭੂਮੀਆਂ ਭੂਮ ਉਪਰ ਨਿਤ ਲੁਝੈ, ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈ ਕਰਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇ ਲੀਏ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੋੜ ਕਰ ਚਲਾ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਰ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਮਰਤੀ। ਪਿਆਰ ਸੇ ਬੋਲੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਭੂਮੀਆਂ ਭੂਮ ਉਪਰ ਨਿਤ ਲੁਝੈ, ਛੋੜ ਚਲੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਤੱਤ ਵਿਚਾਰਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹ ਤੱਤ ਹੈ, ਸਾਰ ਹੈ, ਕਿਆ? ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਕੇ, ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਕੇ ਤੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਵੈਸੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਅਗਰ ਤੂਨੇ ਨਹੀਂ ਜਪਾ ਨਾਮ। ਪਿਆਰ ਸੇ ਬੋਲੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸੇ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਆਹਿਸਤਾ 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 ਸੰਤੋਖ ਭਰ ਦੇਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਸੇ ਬੋਲੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਕੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੁਖੀ, ਔਰ ਨਾਮ ਕੇ ਸਾਥ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋ
सुखी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी के वचन है ना, सुख तुझे तेरे परिवार ने नहीं देना, दुख तुझे तेरे परिवार ने नहीं देना, सुख तेरी घरवाली ने तुझे नहीं देना, दुख तेरी घरवाली ने तुझे नहीं देना, सुख तेरे घरवाले ने तुझे नहीं देना, दुख तेरे घरवाले ने तुझे नहीं देना, सुख और दुख तुझे देना है तेरे कर्मों ने। कर्म बनते हैं नाम जपने से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम जपता है अकेला बैठा है जंगल में सुखी है, नाम नहीं जपता राजगद्दी पर बैठा है दुखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई दुखी है कि घर में औलाद नहीं, कोई दुखी है कि बच्चे कहना नहीं मानते, चार चार औलाद हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं बच्चे होते हुए, माता पिता जो वृद्धाश्रम में रहते हैं उनसे पूछो औलाद होनी चाहिए कि नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो तो कहेंगे होने से पहले मर जाए, ऐसी औलाद। मानता हूँ माता पिता अपने मुख से ये बात नहीं कह सकते, पर भीतर चलता जरूर होगा कि कैसे बच्चे को जन्म दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर यहाँ पर एक बात दास कहेगा, दोष बच्चों का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दोष माता पिता का है जिन्होंने उन्हें ज्ञान नहीं दिया, जिन्होंने पढ़ाई को प्रेफरेंस दी दुनियावी, नाम को नहीं दी, बच्चे को नाम से नहीं जोड़ा। इसीलिए बार बार दास कहता है कि जितने भी वृद्धाश्रम में बैठे हैं लोग, उनके बच्चे अगर नाम जपने वाला एक दिखा दो जपने वाला हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हो ही नहीं सकता कि बच्चे नाम जपते हो, बच्चे अमृत ले उठते हैं और उनके माता पिता वृद्धाश्रम में हो, ये नामुमकिन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो माता पिता अपना फर्ज नहीं निभाते, बच्चे को स्कूल की शिक्षा तो दे देते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर डॉक्टर बना देते हैं, पर अमृत वेले उठा के ज्ञान नहीं देते, ना हृदय में दया आई, ना परोपकार की भावना आई, हृदय में क्या भर दिया, लालच। गुरु नानक पातशाह कहते हैं ना, पांडे जी से कहा था ना जो पढ़ाने आए थे गुरु नानक पातशाह को, बचपन की अवस्था, गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि पढ़िया मूर्ख आखिए इस लभ लोभ अहंकारा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो पढ़ाई जो विद्या मन में अहंकार भर दे, लोभ भर दे, तृष्णा भर दे, ऐसे इंसान को मूर्ख कहूंगा मैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पढ़ाई किस लिए करनी है, विनम्रता आ जाए। गुरु नानक पाशा पांडे जी से कहते हैं ऐसी पढ़ाई करा मुझे कि जमदूत मुझे हाथ ना लगाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पांडा हैरान है, ये बातें उसने कभी सुनी ही नहीं। वो कहने लगे मुझे वो पढ़ाई नहीं आती। गुरु नानक पाशा कहने लगे फिर मुझे ये पढ़ाई नहीं पढ़नी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ाई छोड़ दो, हमें ज्ञान दे रहे हैं गुरु नानक पातशाह। जितनी ज़रूरी स्कूल की पढ़ाई है उतनी ही ज़रूरी, उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी परमार्थ की पढ़ाई है, क्योंकि परमार्थ की पढ़ाई ज्ञान देती है कि माता पिता का सत्कार कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिन हर भजन नहीं छुटकारा, कहो नानक के तत् बिचारा। तत् कहो नानक एह तत् बिचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा, सुख नाही रे हर भगत बिना, हर भगत बिना। सुख नाही रे हर भगत बिना, हर भगत बिना। I'm
अब ये तृष्णा की भूख मिटे कैसे? संतोष की प्राप्ति हो कैसे? संतोष के बिना तृष्णा नहीं बुझती। कितना क्लियर कहा है, कितना साफ कहा है। पाछा मेरा मन भूख से भरा पड़ा है, तृष्णा की भूख बुझती नहीं, इसकी और मांगता है, और मांगता है। तरस कर मुझे नाम की दात बख्श दे। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, मैं तेरा नाम सिमरू। सात संगत जी, ये मांगना है, क्योंकि आप जपाए जपाए सो नाओ, हम नहीं जप सकते जब तक वो जपाए नहीं। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, हम नहीं गा सकते जब तक वो गावाए नहीं। ये बाणी कहती है, पांचवें गुरु नानक श्री सुखमणि साहब जी में कहते हैं, आप जपाए जपाए सो नाओ, आप गवाए सो हर गुण गाओ। इसलिए मांगना है, भिखारी की तरह मांगना है। पामो दान टीठ होए मांगो, भिखारी की तरह क्या मांगना है? देना संतोखिया, नाम संतोखिया, मन की भुख उतरे, 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 मन की भुख। देना संतोखिया, नाम संतोखिया, से बोलिए, धन गुरना। ये नाम करता क्या है? संतोख भर देता है, संतोख बाल्टी का तला बना देता है, फिर उसमें अमृत ठहर जाता है। प्यार से बोलिए, धन गुरना। संतोख, संतोख शुक्राने की अवस्था। प्यार से बोलिए, धन गुरना। जिसे संतोख की प्राप्ति हो गई, उसका मन हमेशा शुक्राने से भरा रह जाता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। चाहे गुरु कुछ दे दे, चाहे गुरु कुछ वापस ले ले, वो शुक्राने में रहता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की अवस्था देखिए, मन की आरा सरवंश वार के कह रहे हैं, अरदास कर रहे हैं कि पाछा तेरी दी हुई वस्तु तुझे वापस मोड़ दी है, तेरा शुक्र है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। शिकायत नहीं की, शुक्राना किया है, तेरा शुक्र है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। अभी इतिहास पढ़िए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हर वक्त शुक्राना, हर पल शुक्राना, हद है। इतने दुख,
इतने दुख। अगर जीवन पड़े तो दुखों से भरा पड़े, चुनौतियों से भरा पड़े, पर उनके कोई भी सर्वंश वारने के बाद भी इतनी साखियाँ आती, इतने खुश, इतने प्रफुल्लित, ऐसी ऐसी घटनाएं कि विश्वास ही नहीं होता कि परिवार साथ में नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शुक्राना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक महापुरुषों का आश्रम है, बहुत सारी गाय हैं उनके पास, बहुत सारा दूध देती है। महापुरुष हमेशा कहते हैं कितना आनंद है, परमेश्वर की कितनी कृपा है, इतनी सारी गाय हैं, दूध देती है, हम दही खाते हैं, मक्खन खाते हैं, घी खाते हैं, कितना आनंद है। समय आया, कुछ चोर आए, रात को सारी गाय चोरी करके ले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवादारों ने आके बताया, महापुरुष सारी गाय चोरी हो गई। महापुरुष कहने लगे, शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है परमेश्वर का कि गाय चोरी हो गई। कितना झंझट था, गोबर साफ करो, उन्हें नहलाओ, उन्हें खिलाओ, आधा दिन तो उनकी सेवा में चला जाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवादार हैरान है, पहले कहते थे बड़ा आनंद है, अब कहते हैं कि अच्छा हुआ ले गए। कुछ समय बाद चोर पकड़े गए, गाय वापस आ गई आश्रम में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवादार आके कहते हैं, महापुरुषों गाय वापस आ गई है। महापुरुष कह लेंगे, कितना अच्छा हुआ, शुक्र है परमेश्वर का, अब दूध देंगी, दही खाएंगे, मक्खन खाएंगे, घी खाएंगे, लस्सी पियेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवादार कहने लगे, आपकी बात ही एक नहीं है, कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो। महापुरुष वो होता है जिसकी अपनी एक बात पे खड़ा हो, आपकी तो बात ही एक नहीं। चली गई तो कहते हो तो अच्छा हो गया चली गई, आ गई तो कहते हो अच्छा हो गया आ गई। जाने में भलाई है कि आने में, हमें बताओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे, आप समझे नहीं। सारे सेवादार से कहने लगे, समझे नहीं, हमारी बात एक ही है, चाहे ले जाए चाहे दे जाए उसका शुक्र है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात उनकी दो होती है, लेने पे कुछ और, देने के वक्त कुछ और। इसे संतोष की प्राप्ति हो जाए, गुरु ले ले वाहेगुरु तेरा शुक्र है, गुरु दे दे वाहेगुरु तेरा शुक्र है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी के वचन तो इससे भी आगे के, कहते थे अरदास किए गुरु को, ये काम हो जाए, हो जाए तेरा शुक्र है, ना हो तेरा लाख लाख शुक्र है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर काम हो जाए तो शुक्राना गुरु का, पर ना हो तो इसमें गुरु ने हमारी रक्षा की है, पता नहीं क्या होना था ये काम होने के बाद, लाख लाख शुक्राना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाव मन की नहीं हुई तो इसका मतलब गुरु के मन की हुई ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारा मन कुछ चाह रहा है, गुरु का मन नहीं चाह रहा वैसा हो तो नहीं हुआ ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यानी संत सिंह जी मस्कीन जी ये पहलू समझाया करते थे बड़ी डिटेल में, कहते थे तूने कुछ चाहा है और वो हो गया, इसका मतलब है गुरु भी वही चाहता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे चाहने से कुछ नहीं हुआ है, हुआ वही है जो गुरु चाहता था। तूने कुछ चाहा है नहीं हुआ तो इसका मतलब ये गुरु नहीं चाहता वो हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें लगता है कि हमारी अरदास कबूल हो गई, नहीं, अगर गुरु हमें अपना पुत्र मानता है तो हम गलत चीज मांगेंगे वो दे देगा, जहर मांगेंगे नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम कहते हैं गुरु नानक को कि तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, और कोई ऐसी चीज मांग रहे हो जिसमें हमारा नुकसान है, पिता क्यों देगा, कैसे देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये विश्वास कैसे आता है, इसके पास संतोष हो, शुक्राने की अवस्था। संतोष कैसे आता है, कैसे देना संतोखिया, नाम संतोखिया, संतोखिया, नाम संतोखिया।
बाहर से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर नाम को संतोखिया कहा है, नाम का दूसरा नाम संतोखिया। बाहर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संतोख भाव नाम, नाम के बिना संतोख नहीं, और जहाँ संतोख है वहाँ नाम है। बाहर से बोलिए धन गुरु नानक। क्या होगा नाम से? उतरे मन की भूख, इस मन की भूख खत्म हो जाती है। अपने आप को चेक करना हो ना, हम किस अवस्था में खड़े हैं। आज भी गुरु को माथा टेक कर पदार्थ मांगते हैं कि गुरु को मांगते हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अवस्था होती है, आहिस्ते आहिस्ते मिलने लग जाती है। पहले आदमी सामान मांगता है, सामान पा लेता है, फिर देखता है इसमें कुछ नहीं, फिर कहता है पाचा, फिर कभी मांगता है कभी नहीं मांगता, दुख में मांग लेता है सुख में छोड़ देता है। ये अवस्था चलती रहती है। हमारे जैसे लोग थोड़ी अवस्था प्राप्त किसी को हो भी गई तो जब दुख आता है डोल जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर पदार्थ मांग लेता है कि ऐसा कर दे प्रभु, ऐसा कर दे। और जो महापुरुष होते हैं जिन्हें परमानेंट संतोष की प्राप्ति हो गई होती है, जिसके हृदय में नाम चलता है, वो नहीं डोलते। हर का सिमरन जो करे सो सुखिया संसार, इत उत कदे ना डोली, वो डोलते नहीं। फिर उनका एक ही काम होता है, केवल नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो नहीं मांगते कुछ और। ये अपने आप को चेक करने का तरीका है, हम किस अवस्था पे खड़े हैं। एक तरफ वाणी कहती है कि माँ बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध कैसे पिलाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। के भाव कुछ चाहिए तो गुरु के आगे बोल, गुरु दे देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये भी अवस्था एक कुर्बान है, अपने गुरु से मांग रहे हैं ना, किसी दूसरे के आगे हाथ तो नहीं फैला रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक अवस्था है, पर ये बचपन की अवस्था है। अब कई साल हो गए सत्संग करते हुए अवस्था यहीं पे खड़ी है कि मांग रहा है पदार्थ ही पदार्थ, तो अभी तक बच्चा ही अध्यात्म की दुनिया में। ऊपर उठना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में ये ना एक एम जरूर रखना चाहिए। ठीक है आज हम नर्सरी में हैं, केजी में, फर्स्ट में, एम तो है ना, पता है कि टेंथ में जाना है, पहुँचना है पास होके, पता है कॉलेज पहुँचना है। ये एम होना चाहिए, एम जरूर, लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे उस लक्ष्य को पाना है। आज ठीक है मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा, पर एक दिन पाना है। उसके लिए जद्दोजहद क्या है? नाम नाम नाम, मेहनत करनी है, नाम जपना है, अमृत वेला संभालना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। देना संतोखिया, नाम संतोखिया, उतरे मन की भूख, 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 देना संतोखिया, नाम संतोखिया। वाहे गुरु,
दुख नाही रे, हर भगत बिना, हर भगत बिना हीरे, हर भगत बिना, हर भगत बिना भगत बिना सुख नाही रे, हर भगत बिना, हर भगत बिना जीत जनम रतन अमोलक, जीत जनम रतन अमोलक, साध संगत जप एक खिना, साध संगत जप एक खिना, सुख नाही रे, हर भगत बिना, हर भगत
बिना सुख ना।